रम्मी अचार अपना। चलिए आप सभी लोगों का अचार दिखाते हैं। ये मुर्गी का बच्चा देखिए कितना मस्त है, जो मम्मी आम का दिया है इस पे लगा करके। बाहर में सबको यार पैसे और अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि केक बनाएंगे। लिपस्टिक क्यों लगाया है? कहाँ लगाया है? गाइस देखिए अभी चुम्मा लेकर के आया शायद। तो गाइस अभी मस्त खाना पीना हो गया है और अभी आए केक खोलने के लिए। बाकी ये रहा केक और शायद से ये बन गया होगा, आवाज भी करने लगी। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी बज रहे हैं दिन के दोपहर के 3 और ब्लॉगिंग को अभी से कंटिन्यू करते हैं। बाकी मौसम भी बहुत ज़्यादा मस्त हो गया, चारों तरफ हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा मस्त मौसम है। और सुबह से ब्लॉगिंग नहीं किए क्योंकि सोए हुए थे और जस्ट 10 बजे के आसपास उठे। रात को लेट सोए क्योंकि मूवीज़ देख रहे थे। फिर उठने के बाद ज़्यादा कुछ किए नहीं, पापा बोले थे कि धोबी के पास जाने तो वहाँ से कपड़े लेकर के आए। तो वहाँ पे एक पेड़ था जिसपे ये लगा हुआ था लीची, ये तो ये कच्चा ही तोड़कर ला ली। बाकी ये खा के देखते कैसा लग रहा। इस सीज़न का फर्स्ट टाइम लीची खाने जा रहे हैं, कैसा लगता है बताते हैं। अभी पका नहीं पर बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसका टेस्ट भी अजीब लग रहा है। अभी ना सीन ऐसा है कि सब कोई घरों में सो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और इस टाइम पे सब लोग सोते ही है। तो सब कोई का जितना भी छोटा छोटा बच्चा ना वो लोग दिखेगा, सब बदमाशी करते हैं। जैसे कि इसको देखिए, ये है गोला गोला, देखिए इसकी मम्मी घर में सो रही है, ये यहाँ पर नल चालू करके नहा रही है। देखिए कैसे खुश होकर हंस रही है, मेरी चाचा की बेटी है ये। और बाकी वो वाला घर हम लोग का है तो उधर से हम कूद के छत्ता टपके इस साइड आ गए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और सलमान उधर गया हुआ है। बाकी सबको अभी हम लोग खेलने के लिए जाएंगे क्रिकेट और बारिश वाला मौसम है। अभी ना एक आवाज कर रहा है जो कोई नहीं बता पाएगा किस चीज का आवाज है, पर हम उसको बता सकते। अभी सुनिएगा एक आवाज, वहाँ पे एक चिड़िया वहाँ पे डंटा बांस में गड्ढा कर रहा है, उसी का आवाज होता है। देखिए कितना खतरनाक होगा। वो अपना घर बना रहा है वहाँ पे। अभी आ गए हैं दुकान में कुछ खरीदने के लिए, तो ये खाएंगे स्कूल बॉक्स। हम इसमें लगा भरेंगे, पेन निकलेगा, लिखो। पेन निकलता है इसके अंदर से, पेन रबर जो ना जी वाला लगा। तो अब इसके अंदर से कुछ मिस्ट्री सामान निकलता है। ये मिस्ट्री बॉक्स है, देखते क्या पेन निकल गया। कितने को पेन दे? रूल निकला, रूल कलर वाला रूल, मतलब पेन निकला। बाकी इसके अंदर से अल्फाबेट्स निकलते हैं, ये ऐसे वाले अल्फाबेट्स, जैसे कि ये है क्यू है, जे है। मम्मी हम चाय बना देगी? मम्मी चाय, बस चाय पियेंगे। और मम्मी अचार अपना। हाँ तो मम्मी अचार वहाँ पे डालती। चलिए आप सभी लोगों को अचार दिखाते हैं। बाकी ये मुर्गी का बच्चा देखिए कितना मस्त है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। छोड़ देते इसको उसके मम्मी के पास, मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है। और मम्मी वहाँ पे अभी चाय बना रही है। बाकी आप सभी लोगों को दिखाते हैं अचार। ये रहा अचार जो मम्मी आम का दिया है इस पे लगा करके, और इस पे डायरेक्ट धूप ना पड़े जिसके वजह से इसके ऊपर काला कपड़ा डाला जाता है। अभी सलमान बहुत सारा आम बैग में भर करके लाया था, स्कूल गया था, उधर से पता नहीं किधर जाके तोड़ करके लाया। इसका भी क्या करना है, कुछ फटरी फटरी को लड़का को चढ़ा दिया, बोलता गिराया तब फट गया। अच्छा, जो आम गिर जाता है जमीन में उसका अचार नहीं बनता क्योंकि वो खराब हो जाता है, तो इसका बनेगा कुच्चा। कुच्चा अचार के जैसा ही होता है, सब कुछ मसाला ढला हुआ रहता है, पर अचार कड़ा रहता है और वो पूरा छीला हुआ रहता है, पूरा प्लेन सा रहता है। तो अभी मम्मी यहाँ पे चाय बना दी है, अभी जस्ट क्रिकेट खेल के घर आ गए और अभी टाइम हो रहा है 6:15, अभी जस्ट आए हैं और बाहर में सबको है पैसे। ये थी गोला जो की आज दोपहर में 2 या 3 बजे नहा रही थी घर में, और अभी लॉलीपॉप खा रही है। यार कैसे काट रही है, काट नहीं पा रही। चांद वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, पायल प्रेमी हो गया, घायल हो गया। गाइस अभी आ गए हैं किचन में और अभी यहाँ पे मम्मी रोटियां बना रही है रोज की तरह। आज भी चूल्हा उधर लगाई, कल उधर लगाई थी, वैसे आज इस साइड लगाई है, रोटियां बना रही थी। रात के बज रहे हैं 7 और अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि केक बनाएंगे क्योंकि 100 ब्लॉग्स कम्प्लीट होने पे भी केक लाए नहीं थे। और अभी अचानक से प्लान आया यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि बिस्किट से केक बनाया जा सकता है, तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं केक बनाने का। और ये रहा अरमान, एक केक बनाएगा। लिपस्टिक क्यों लगाया है? कहाँ लगाया है? देखिए अभी चुम्मा लेकर के आया शायद, किधर रहे? किधर। और गाइस अभी पापा आ गए, देखिए अब हम लोग बनाएंगे केक। और ये लिपस्टिक लगाया, पता नहीं किसको चुम्मा लिया है। और अभी हम लोग केक बनाने के लिए बिस्किट लेकर के आते, फिर आगे का ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते। केक बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे केक बनता है, वो आप सभी लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए करते हैं। अभी बहुत दिनों के बाद इस वाले किचन पे आए हैं, इधर बहुत पहले ब्लॉगिंग किया करते थे। अभी 3 हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स, एक इनो लेकर के आ गए हैं, बाकी इसी से बनेगा। तो अभी इसको ग्राइंड करना है। बिस्किट का पूरा पाउडर बना ली। अब सीन ये हो गया कि घर में दूध ही नहीं है, अब क्या करें, बैठ करके बस सोच रहे कि अब इसको बनाए कैसे क्योंकि घर का दूध खत्म हो गया। जाओ ना दूध लेकर के, दूध का फैक्ट्री इधर बात। फाइनली दूध का इंतजाम हो गया, ज्यादा दूध नहीं मिला, बस इतना मिला क्योंकि कम बिस्किट भी था इसमें हो जाएगा। अभी दूध में इसको पहले मिलाना होगा। यहाँ दो पूरा दो, तो गाइस पूरा दो और दो। हाँ तो गाइस अभी इसमें इनो डाल दिए हैं, डालो वहीं पे दूध, डालो सारा दूध, दो दो दो, हाँ दो कुछ हो रहा।
यहाँ पे फूलेगा गाइस, अरे ऐसे ही होता है। तो गाइस सारा इन्हों इस पे डाल दी और अभी अजान हो रहा है तो इसको अच्छा से मिला लेते हैं, फिर आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। दूध पड़ गया। अभी फाइनली सब कुछ मिल गया है और अभी क्रीम ऐसा दिख रहा है, कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अभी ना एक पतीला लेना है रिफाइंड ऑयल, ये वाला इसके चारों साइड लगाना है। गाइस अभी सारा कुछ कर लिए हैं यहाँ पे, इसमें निकाल करके सारा केक और सब कुछ इसमें फॉर्चून साइड में मैदा लगा के रख दी। अभी कुकर मिल गया, कटोरा को लेते हैं, कटोरा को डालते हैं इसके अंदर और इसको डालते हैं इसके अंदर। इसको झापता है रे किसी? हाँ रे, ढकेंगे यार ढकेंगे। तो अब इसको ढकना है और बस ये बंद करके रेडी हो जाएगा। कहाँ पे कुछ है, केक बना रहा है यही तो लोई लाई लोई बना रहा है केक है वो, देखो ना। पानी भी देता है? नहीं रे पानी नहीं, खाना बनाएगा क्या? मारो गैस। तो गाइस अभी मस्त खाना पीना हो गया है और अभी आए केक खोलने के लिए। बाकी ये रहा केक और शायद से ये बन गया होगा, आवाज भी करने लग गया। कैसे निकालेंगे इसको हवा? अभी देखने का टाइम है। केक तो क्या हो गया गरम होगा रही, उलट गया है। अरे केक ही जल गया है, लगा के बताओ क्यों जलाए गाइस? बन गया एकदम छोटा मोटा वाला, बन तो गया गाइस। केक तो बन के रेडी है पर पता नहीं ये टेढ़ा क्यों हो गया, पर ये बन गया देखिए मस्त एकदम। चम्मच नहीं सटा, यानी कि ये अभी कच्चा है गाइस, फिर से इसको डाला जाए क्योंकि देखिए ये चम्मच में सड़ गया। छोड़ो ना, अबे खा लेंगे। हमारा केक का तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कुछ ऐसा केक बना पर ये अच्छा लग रहा। हैप्पी बर्थडे 100 के सब्सक्राइबर्स, 100 के नहीं यार 100 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गए तो काट दी केक। लो लो खाओ, ये खाते हैं, लो खाओ। बहुत अच्छा लग रहा तो गाइस चलिए सबको को देते हैं। अभी मम्मी को भी दे दिया, मम्मी खा ली। बाकी हेरा मोनू सबको को अभी जाके देते हैं। लो मोनू खा के देखिए कैसा लगा। भुजिया बन गया, खा के देखिए ना, कम टाइम पकाए भुजिया है, टेढ़ा हो गया था पकाने में, मस्त है। अभी चले सोने के लिए, आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज केक बहुत ही ज्यादा फालतू बना, नॉर्मल ब्लॉगिंग हुआ, बट 2 तारीख को स्पेशल ब्लॉगिंग है। आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है वो, आप लोग वेट करो कि जानने के बाद आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो 2 तारीख को हमको कहीं चलना है, बस वो आप सभी लोगों को आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। तो आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, सड़ा हुआ केक देख करके आप लोगों को मजा आएगा। आप लोग भी ट्राई करना, बट आप लोग का बन जाएगा, थोड़ा टाइम और पकाना। हम लोग के अंदर क्या बोलते हैं उसको, वेट करने का हिम्मत नहीं होता। कुछ भी चीज बनाओ तो जल्दी देखने का मन करता है, शायद आप लोगों को भी होता होगा, तो वेट कर लेना थोड़ा सा। तो आज का ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद है फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।